एक बारी हुआ तो बेटा बोला, एक बारी हुआ तो बेटा बोला, ए बाबा नंबर वन वन वन, ओ भीमा माती को लाला खिलाड़ी नंबर वन, ए भीमा माती को लाला खिलाड़ी नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन। एक गीत उस समय का है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर बंबई की अदालत में बाबा साहब की वकालत कि किस प्रकार से मुंबई की अदालत में बाबा साहब अम्बेडकर की वकालत किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ब्राह्मण के बालक की फांसी को रोकने का काम किया, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने उस ब्राह्मण बालक को फांसी हो गई, उसके प्राणों की रक्षा को कर लिया। उसी दरमियान में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने उस विप्र बालक की जान को बचा लिया तो बालक कहने लगा और बालक के मम्मी और बाप ने क्या गाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बैरिस्ट्री की डिग्री को लेकर के आए। बाबा साहब अम्बेडकर जिस समय मुंबई की अदालत में, महाराष्ट्र की धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर कचहरी में जाकर के बैठने लगे, उनके पास में एक भी केस नहीं आ रहे थे। असमाज जब ब्राह्मण के बालक को फांसी हो गई, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस समय उस ब्राह्मण के बालक के जो है, क्योंकि जज ने फैसला को सुना दिया किसको फांसी हो जाना चाहिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उस ब्राह्मण बालक के प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्होंने उस केस को अपने हाथों में ले लिया। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने उस ब्राह्मण बालक के प्राणों की जब रक्षा की तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने गाया, क्या गाया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसमें वकालत की, कैसे, एक करी बहस जब भीम राव ने, एक करी बहस जब भीम राव ने, ओ एंट्री नंबर वन वन वन, ओ भीमा माती को लाला खिलाड़ी नंबर वन, ओ भीमा माती को लाला खिलाड़ी नंबर वन।
मेहनत मशक्कत करने के बाद में, ढेर सारी किताबों को पढ़ने के बाद में, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस फांसी की सजा की कांट को निकाल लिया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ब्राह्मण बालक के प्राणों की रक्षा की, आय हाय, ए फूलों की माला पहनाया, ए फूलों की माला पहनाया, बैरिस्टर नंबर 111 वो भीमा माटी को लाला हेलाड़ी नंबर 1। ट्यूशन सन सन ये भीमा